अभी जहां पर पहुंचे हैं, आप लोगों ने श्रवण किया यहाँ पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का यहाँ पर समाधि और ये भजन कुटीर। आप लोगों ने तीर्थ मार्ग से सुना है यदि ये प्रबोधानंद सरस्वती कृष्ण लीला में ये तुंग विद्या, अभी महाराज कितना तरह का विद्या बोल रहे थे, आठ तरह का, यदि ये राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, वो आनंद चिन्मय रस की राधा रानी अनंत रूप में कृष्ण सेवा करने के लिए ये सब रूप उन्होंने धारण किया। इसलिए आप लोग श्रवण कर रहे थे इनका जो ग्रंथ है जिसका नाम राधा रस सुधा निधि, अद्भुत ग्रंथ है, हैं? राधा रस सुधा की अमृत है। ये ऐसे एक ग्रंथ है ना जिसको लेकर के बड़े लड़ाई है, कोई कहते ये हमारी संप्रदाय की और वो कोई कहते नहीं ये हमारी संप्रदाय की, मतलब ये ऐसे एक विद्वत ग्रंथ है जिसको लेकर के बड़े लड़ाई झगड़ा है, और इसी ग्रंथ में वो तुंग विद्या, इसलिए विद्या की सर्वश्रेष्ठता है, इसलिए उसमें राधा रानी की जो महिमा को उन्होंने वर्णना किया, अद्भुत रूप में राधा रानी की महिमा को वर्णना करते हैं। कहते राधा रानी के चरण की कितने दुर्लभता है, कहते ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदार विंद, बोले जिनके चरण कमल को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद आदि भी जिनके चरण को पाने के लिए तरसते हैं, बोले यहाँ तक भी अगर राधा रानी का भी मान करे ना, जहां पर स्वयं श्याम सुंदर भी राधा रानी के चरण को पाने के लिए कृष्ण के लिए भी कभी दुर्लभ हो जाता है। इसलिए तीर्थ महाराज जो श्लोक कह रहे थे, जत की करी सुबह खड़ु काणी नित्यम परस पुरुष सिखंड, बोले श्री गुरुपाद पद्म कहा करते थे हमारे कुछ बल्लव संप्रदाय के कुछ कृष्ण का प्रति जिनकी निष्ठा है, कहते वे लोग तो हैं, कहते जैसे श्री बिल हमारे श्री कवि जयदेव, जब कवि जयदेव ने देखा राधा रानी मान की और श्याम सुंदर मनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लास्ट में श्याम सुंदर कहते हैं स्मर गर्ग खंडनम मम सिरसि मंडनम देही पद पल्लव उदारम, हे राधे आज तुमने इतने क्यों मान की है, तुम्हारी चरण में अपना सर को मैं रख देता हूँ। गुरुदेव कहते थे जिसको देख कर बिल्लो मंगल ठाकुर की हाथ कंपने लगे, वो लिख नहीं सके, बोले ये चीज तो हम लिखे कैसे है, जो सम श्याम सुंदर जिनके चरण में श्याम सुंदर सर को कैसे रख सकते हैं, जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन गुरुदेव कहते थे लेकिन हमारे महाप्रभु की धारा में श्री प्रबोधानंद सरस्वती को देखो, बोले राधा रानी की बात तो बड़े दूर की बात है, जब राधा रानी जिस निकुंज में मानी भी होती हैं, जहां पर स्वयं उनकी जो सखी और मंजरियों को चरण में कृष्ण स्वयं कहते उनके चरण में काकू करते हुए हाथ जोड़ते हुए उनकी दासियों को चरण में श्याम सुंदर सर झुका देते, इसलिए गुरुदेव कहते देखो ये हमारे महाप्रभु को धारा में जो भक्त लोग प्रबोधानंद सरस्वती की कितने महिमा है। इसलिए कहते देणुं करान निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट च पीत वसनम ब्रजराज सुनो, हैं? इसलिए राधा रानी के एक तिरछे चितवन में जहां पर श्याम सुंदर का मयूर मुकुट गिर जाता था, जहां पर बंसुरी गिर जाती थी, जहां पर उनके वस्त्र कभी गिर जाता था इनको पता नहीं चलता, इसलिए उन्होंने ऐसे श्री राधा रानी की हाँ महिमा को उन्होंने सुंदर सुंदर श्लोकों से, कितने श्लोकों से उन्होंने राधा रानी की महिमा को उन्होंने वर्णन किया है। कहते इनका यहाँ पर समाधि, इसलिए हम उनको समाधि में प्रणाम करते हैं, ये कृपा करे जिस रस को ये देना चाहते हैं उसका बूंद हमारी आस्वादन की विषय हो। और यहाँ पर जो ये कालियत है हम लोगों ने श्रवण किया, कृष्ण कैसे यहाँ पर गैया चराते चराते यहीं पर आए, उस दिन बलदेव प्रभु का जन्म दिन था और यहाँ पर तो कालिय यहाँ पर निवास करता था, हैं? इसलिए ये कालिय यहाँ पर क्यों निवास करता था, इसका कारण क्या है, बोले कारण है कभी गरुड़ को साथ में कालिय की बड़ा लड़ाई हुई, ऐसे लड़ाई हुई गरुड़ ने ऐसे मारा उसको पंख से, ऐसे मारा उसने तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन कालियों को पता था यहाँ पर सौभर ऋषि ने यहाँ पर अभिशाप दिया, सौभर ऋषि को सौभर ऋषि गरुड़ को अभिशाप दिया है, अगर तुमने एक बार मछली खाए अगर कभी दो बार यहाँ पर आओ ना तो मारा जाओगे,
इसको ये बात पता था, इसलिए उन्होंने कहा बच्चू तो कहां बचूं, बल्कि यहीं पर बच सकते हैं, इसलिए कालिया ने आकर के यहीं पर निवास करते थे। इसलिए अभी जो तीर्थ महाराज अच्छी बात बता रहे थे, बल्कि ये इसका कारण क्या है, बल्कि जिस समय गरुड़ ने यहाँ पर एक मछली खाए, उनको तो आहार वही, अगर गरुड़ जैसे भगवान का भक्त अगर किसको खाए उसको तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन ये सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को अभिशाप दिया। बोले गरुड़ कौन है, बोले ये गरुड़ वैष्णव है, ये गरुड़ जी भगवान के बाहर है, ये गरुड़ जी अगर किसी भक्तों को अगर कोई अभिशाप दोगे तो वो तो आए नहीं, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, एक दिन स्वयं कालिया आप आए तो सारे मछली समाप्त, सारे तो सारे मछली समाप्त हो गए, कोई एक जिंदा नहीं रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये कालिया ने आकर के यहीं पर आश्रय उन्होंने लिया है यहीं पर, और सबके सब मर गए। कृष्ण यहाँ पर वो पानी ऐसे उबलता था, यहाँ पे कोई पेड़ पौधा भी जिंदा नहीं था, लेकिन एक वृक्ष जिंदा था। आप लोगों ने श्रवण किया, गरुड़ ने जब अमृत लाया था इस वृक्ष को ऊपर रखा था, इसलिए जिंदा थे। जब यहाँ पर एक प्रश्न विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, जब कृष्ण की सखा लोग और गैया आए और ये पानी को केवल स्पर्श करते ही ये सब के सब यहाँ पर जान गया मर गए, तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर ऐसे कैसे हो गया, अरे ये तो स्वर्ग का अमृत का स्पर्श से जब ये वृक्ष ही जिंदा है, कहां गोलोक वृंदावन के कृष्ण का नित्य परिकर है, कहते वो कैसे बेहोश कैसे हो गई, कारण किया, बोले केवल कृष्ण लीला की पुष्टि करने के लिए की हुई है। इसलिए कृष्ण ने देखा इनको अमृतमय दृष्टि से उनको प्राण दान दिए, बल्कि इसको यहाँ से कैसे भगाना पड़ेगा। कृष्ण इस वृक्ष के ऊपर में जाकर छलांग लगाए, और छलांग जब लगाई कालियों ने देखा भैया ये कौन है, जहां ऊपर में कोई चिड़िया तक भी उड़ कर नहीं जा सकते, आस पास में कोई पेड़ पौधा नहीं, इसमें जल विहार कौन कर रहे हैं। कालिया जब निकला, लेकिन उनको जो पत्नियां है ना, तो जय नाग पत्नी जय 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 नाग कन्यागण, इसलिए कहते उनका जो पत्नियां है, कहती ये सबके सब कृष्ण भक्त थे पत्नियां, इनके पत्नियां इनको समझाया करते थे, देखो ये कृष्ण भगवान है, इनको साथ में कोई बैरी नहीं था, बोले कहां बच्चा गैया चराता है भगवान है, वो विश्वास नहीं करता था, मानता नहीं था, लेकिन जब भगवान कृष्ण इसका सर पर जब नृत्य किया, जब एक एक चरण की ठोकर मारे, इतने में उनको खून उबलने लग गया मुंह से, अभी उनको याद आया अरे हमारी जो पत्नियां कहा करते थे भगवान है, सचमुच से भगवान है, मैंने गरुड़ों के साथ में भी युद्ध किया लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका, लेकिन ये सर पर खड़ा हुआ लगता है ये विश्व ब्रह्मांड मेरे सर के ऊपर आ गया, इतने में उनकी पत्नियों की बात याद आई, लेकिन पत्नियां दूर से देख रहे थे, बोले मर जाए तो अच्छा ही, बोले क्यों, बोले एक में तो भजन करता नहीं, दूसरे में हमें भजन करने नहीं देता है, इसलिए कहते जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजिय कोटि वैरी समझते भी परमसन है। अगर कृष्ण भक्ति के कोई प्रतिकूल होते हैं, गोस्वामी जी कहते कर्ण और शत्रु मानकर उसको त्याग दो, बोले मर जाए तो अच्छा ही, भजन तो करता नहीं और भजन करने देता भी नहीं, लेकिन जब कृष्ण उसका सर पर नृत्य की, जब खून उबलने लग गया, फिर उनको पत्नियों ने देखा अब ये तो कृष्ण भक्त हो गया है, अगर पति अगर कृष्ण भक्त होना बढ़िया, क्योंकि एक तो उनको नाग पत्नी देखने में बड़ी सुंदर थी, अगर किसका पत्नी सुंदरी, अगर उसको पति मर जाए फिर क्या होगा, दूसरे पुरुष लोग उसके ऊपर में फिर बुरी नजर ना डालने लग जाते हैं, इसलिए पत्नियों के लिए हर समय उनको किसके अनुबंध में रहनी चाहिए। इसलिए अभी ये नाग पत्नियां निकल करके स्तुति करने लगे, यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं भैया ये कालिया नाग तो इतना बड़ा दुष्ट था, फिर इसके अंदर में भक्ति कैसे भावना कैसे आ गई, उनको कारण बताए कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ, कृष्ण भक्ति का जो जन्म मूल है हाँ साधु संघ है, क्योंकि साधु संघ सर्वशास्त्र गए और लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि आए, भक्ति तो भगवत भक्त संगेन बड़ी जाते, भक्ति केवल भक्तों का संघ से होती है, इनकी पत्नियां थी भक्ति, वो जो कृष्ण कथा सुनाया करते थे, वो कृष्ण कथा सुन सुन करके उसका हृदय में बीज का भवन हो गया था, बीज था कृष्ण भक्ति की, लेकिन कृष्ण ने जब नृत्य किया ना बीज तो बो दिया, लेकिन जब पानी नहीं पड़ेगा अंकुर कैसे होगा, जब कृष्ण ने चरण के ठोकर मारने लगे, क्योंकि तो दुर्लभ चरण है, हैं यद्यपि समाधि सुविधिर पश्यति, ब्रह्मा भी जिनके चरण को प्राप्त नहीं कर सकते, जब उनका चरण स्पर्श होने लग गया बस उसमें पानी का काम करना शुरू कर दिया,
पानी का काम किया तो भक्ति लता जो बीज है वो धीरे 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 बढ़ने लग गई, पास उसमें फल और फूल आ गया, कृष्ण के प्रति इसकी भावना प्रकट हो गई। फिर नाग पत्नी ने आकर बोले, प्रभु ये इसने इसने क्या सौभाग्य की है, जिस चरणों को लक्ष्मी स्वयं सेवा कर रही है ब्रह्मा शंकर भी प्राप्त नहीं कर सके, उसने क्या ऐसे सौभाग्य किया है जो कि आज उसका सर पर नृत्य किए। इसलिए गुरुदेव इसका पीछे दो तीन कारण बताया करते थे। गुरुदेव कहते थे, पहला कारण है भक्ति होने का, ये वृंदावन ब्रजवास करता था, ये ब्रजवास है। बोले दूसरा कारण क्या है, बोले यमुना को साथ में हृदय का लिंग था हाँ? इसलिए ये जमुना पानी। बोले तीसरा कारण क्या है, जो कि इनके अंदर में भक्ति आई, कहते भक्तों का संग करता था, उनकी जो पत्नी थी कृष्ण भक्त। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये सब कारण से ही उसके हृदय में भगवत भक्ति प्रकट होगी। और भगवान ने बोले, इसको मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों का ये पति है, मैं केवल इसका अहंकार को दूर करता था। बोले यहाँ से तुम चले जाओ रमण गति, और वहीं पर रहो, मेरी लीला में कोई व्याघ्रत नहीं होनी चाहिए। फिर भगवान यहाँ पर अमृतमय दृष्टि से ये नदी को एकदम पवित्र कर दिया, यमुना हरद को। फिर यह स्थली बन गया, कृष्ण का लीला स्थली पर यहाँ पर बन गया। इसलिए हमारे श्री जिस समय कृष्ण उसका फण पर नृत्य करते थे, उसी समय में सारे देवता लोग आ गए और सुंदर सुंदर सब बाजा बजा रहे थे। बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा किसी सांप को सर पर पकड़ के नृत्य करने वाले। इसलिए शंकर जी ने कहा, प्रभु आपकी बलिहारी हो, आपकी बलिहारी हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे सिताई गौर ब्रह्मानंद दे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, ऐसा नाम रहा मदन मोहन मंदिर का।